हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से धर्मशाला को स्मार्ट सिटी से बाहर किए जाने के बाद शिमला को स्मार्ट सिटी की रेस में लाने को लेकर तेज हुई कवायद। शिमला नगर निगम ने शिमला को स्मार्ट सिटी में शामिल किए जाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी, मामले में दखल की मांग की। शिमला के मेयर संजय चौहान ने कहा कि शिमला स्मार्ट सिटी बनने की काबिलियत रखता है, लिहाजा उन्होंने जेपी नड्डा से शिमला को इस श्रेणी में शामिल करने के लिए हिमाचल सरकार से बात करने के लिए चिट्ठी लिखी है। चौहान ने कहा कि राज्य की हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी को नियमानुसार प्रदेश से अब किसी शहर का प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजना है, लिहाजा इसके लिए वो चाहते हैं शिमला के लिए प्रस्ताव भेजा जाए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार की ओर से लगाए गए सीवरेज टैक्स को प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त बोझ बताया है। सुक्खू ने सीएम वीरभद्र सिंह को चिट्ठी लिख सीवरेज टैक्स को 50% से कम कर 20% किए जाने की मांग की। सुक्खू की सीएम को भेजी गई चिट्ठी पर शिमला नगर निगम के मेयर संजय चौहान ने निशाना साधा है। संजय चौहान ने कहा कि कांग्रेस मामले पर सियासत कर रही है, सरकार और हिमाचल कांग्रेस के बीच तालमेल ही नहीं है। संजय चौहान ने कहा कि सुक्खू को सीवरेज टैक्स कम करने की नहीं बल्कि बिल्कुल खत्म करने के लिए खत लिखना चाहिए था। टूरिस्ट सीजन के दौरान शिमला में आने वाले सैलानियों को पार्किंग को लेकर समस्या से ना जूझना पड़े और पार्किंग ठेकेदार उनके साथ मनमानी ना करे, इसको लेकर शिमला नगर निगम प्रशासन ने ठेकेदारों को सख्त निर्देश दिए हैं। नगर निगम की ओर से कहा गया है कि शिमला में आने वाले सैलानियों को पार्किंग के नाम पर उनसे ओवर चार्जिंग की गई तो ठेकेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही निगम ने पार्किंग व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आदेश जारी किए हैं। दिल्ली निर्भया मामले में नाबालिग आरोपी की रिहाई के खिलाफ शिमला में भी कई संगठनों ने प्रदर्शन किया है। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर नाबालिग आरोपी की रिहाई का विरोध किया और उसे फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। छात्रों ने केंद्र सरकार से जुवेनाइल एक्ट पारित करने की भी मांग की है ताकि इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वाले रिहा न हो सके। चंबा जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों में आवारा कुत्तों का आतंक थम नहीं रहा है। एक महीने में ही क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में कुत्तों से काटे जाने वाले मरीजों की तादाद बढ़ गई है। आलम यह है कि चंबा के अस्पताल में रोजाना करीब 40 से 50 मरीज कुत्ते के काटे जाने से वहां पर पहुंच रहे हैं। मुख्य अस्पताल चंबा में कुत्ते के काटने वाले आम इंजेक्शन तो मौजूद है लेकिन इसका एंटीबायोटिक डोज नहीं है, लिहाजा मरीजों को दूर दराज जाकर इलाज करवाना पड़ रहा है। शिमला में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। शिमला पुलिस ने शहर के एक निजी होटल से 5 युवतियों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने होटल के कमरे से 76,000 की नकदी भी बरामद की है। 5 युवतियों में से जम्मू उत्तराखंड नेपाल के साथ 2 युवतियां चंडीगढ़ की हैं। गिद्ध अब नहीं है लुप्त होने वाली प्रजातियों में, हिमाचल वन्य जीव विभाग का दावा, हिमाचल में बढ़ी गिद्धों की संख्या। शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तापमान पहुंचा 0 से भी नीचे, ऊंचाई वाले इलाकों में जारी है बर्फबारी। लाहौल स्पीति में सबसे कम दर्ज किया गया तापमान।